इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से आ रही है। जी हां, आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई है और उनकी मौत हो गई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था, इसी दरमियान डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बदमाशों ने बाबा सिद्दीकी को तीन तीन गोलियां मार दी है। दो गोली उनके पेट में लगी और यूं कहा जा सकता है कि उनकी मौत असल में मौके वारदात पर ही हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद लीलावती अस्पताल उन्हें ले जाया गया, बांद्रा में उन्हें ले जाया गया, लेकिन अंत में उन्हें डॉक्टर्स की टीम ने मृत घोषित कर दिया है। बाबा सिद्दीकी सुबह तक जो है कह सकता है वो अपने बेटे के कार्यालय में थे। बेटे के कार्यालय से जैसे ही वो निकलते हैं, उसी दरमियान बदमाशों के द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है। उनके साथ और भी अन्य लोग होते हैं, उनके ऊपर भी फायरिंग होती है, उन लोगों को भी जो है वो मारने की कोशिश होती है, लेकिन बाबा सिद्दीकी को तीन तीन गोली लगती है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको बता दें, सन 1976 से, जी हाँ, लगभग 76 से 2024 तक एक लंबा करियर बाबा सिद्दीकी ने ऑल इंडिया कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने जो है वो खिदमत देने का काम किया, लेकिन अब अचानक से ये खबर सामने आ रही है कि जब वो अपने बेटे के कार्यालय में थे और बेटे के कार्यालय से निकल करके जब वो निकल रहे थे, उसी दरमियान उन्हें गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई है। बाबा सिद्दीकी ने 2024 में यानी कि इसी साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर के वो एनसीपी यानी कि नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए थे। आपको यह भी बताते चले, एनसीपी में आए थे और आपको यह भी बताते चले कि बाबा सिद्दीकी जो है वो लगातार तीन दफा सन 1999 से लेकर के 2014 तक वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे यानी कि एमएलए रहे, और साथ ही साथ 2000 हम आपको बता दें कि एक बार जो है उन्होंने मिनिस्ट्री भी संभाली यानी कि वो मंत्री भी रहे थे। और एक ऐसा व्यक्ति जो कह सकता है पूरे हिंदुस्तान में चर्चे में रहता है, बॉलीवुड में उनकी एक अलग पहचान है। आप अक्सर सुनते रहे होंगे कि बॉलीवुड के तमाम सितारे जो है वो एक इफ्तार पार्टी में जाते थे और वो इफ्तार पार्टी जो है उसका आयोजन जो है वो बाबा सिद्दीकी किया करते थे। तो उस आयोजनकर्ता बाबा सिद्दीकी को जो है वो गोली मार दी गई। अब आप यह अंदाजा लगाइए कि जिस महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है वहां किस तरह के हालात हैं कि एक पूर्व मंत्री एक कद्दावर नेता को गोली मार दी गई है और उनकी हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा तीन संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह घटना कैसे घटित हुई, कौन कौन लोग हो सकते हैं जो इनकी मौत के पीछे होंगे, किसकी वजह से उनकी मौत हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब किन लोगों ने जो है उन्हें मारने की सुपारी दी होगी, क्यों आखिरकार बाबा सिद्दीकी को मारा गया, ये एक बड़ा सवाल है। हम आपको बताते चले, इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इन पर तीन राउंड फायरिंग की गई जिसमें उनकी मौत हो गई है। अलविदा बाबा सिद्दीकी, लोग अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता, मुंबई में बाबा सिद्दीकी साहब को गोली मारे जाने के बाद इंतकाल की खबर बेहद अफसोसजनक है। मुंबई में सत्ता से जुड़े एक इंसान को सरेआम गोली मार दी जा रही है। ये मुंबई जैसे महानगर की कानून व्यवस्था का हाल है। खुदा बाबा सिद्दीकी जी के परिवार को दुख सहने की जो है वो हिम्मत अता करे। अभी जो इनके बेटे हैं वो आपको बता दें कांग्रेस पार्टी में ही है, अपने बेटे के कार्यालय से बाबा सिद्दीकी निकल रहे थे और इसी दरमियान उन्हें गोली मार दी गई है। सवाल यह है कि आखिरकार शिंदे सरकार क्या कर रही है, क्यों इस तरह की इतनी बड़ी घटना सामने आई है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।